नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं RRB LP एंड टेक्नीशियन के सेकेंड स्टेज यानी कि CBT 2 के 22 जनवरी 2019 का तीसरे शिफ्ट का पेपर, ठीक है, जो कि रहने वाला फिजिक्स एंड मैथ वालों का, ठीक है। और इसमें हम पार्ट ए के क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट ए का क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हो कि कितने रहते हैं पार्ट ए में, 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जरूर करिएगा, लास्ट से पूरा वीडियो देखिएगा। और आपकी जितनी भी अपकमिंग वैकेंसी हैं रेलवे में, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो पूरा वीडियो अवश्य देखना। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले बता दें कि आप इसको टेस्ट की तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आप करना चाहें तो उसको करिए, जो बनता हो तो करिए, ठीक है। और आप अपने नंबर बाद में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपसे कितने क्वेश्चन हो पाए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपसे बोला जा रहा है कि लंबाई एल और त्रिज्या आर वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है, उसी सामग्री से, ठीक है, उसी सामग्री से बनी 4 गुना लंबी और आधी त्रिज्या वाले किसी दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन हमने कई बार कराया है पिछली शिफ्टों में, ठीक है। हर शिफ्ट में लगभग ये आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मैं जो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को मुझे कराने की ज़रूरत है, आप सभी से आसानी से बन ही जाएगा। किस फॉर्मूले से बनना है इसको, आप चलो जानते हो कि आर बराबर क्या होता है, रो इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपका ये क्वेश्चन होने वाला है, आप इसको करिएगा, ठीक है। और अगर बनता नहीं है तो पिछली शिफ्ट में ये क्वेश्चन मैंने कराया था, तो वहाँ से करिए, ठीक है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसे कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विक्रम सेठ अपनी कविता डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो विक्रम विक्रम सेठ की कौन सी कविता है, तो द फ्रॉग एंड द नाइटेंगल। यह दोस्तों किसकी पुस्तक है, यहाँ पर किसकी कविता है, विक्रम सेठ जी की, ठीक है। और आप याद रखना कि एंटरप्राइज किसकी है आपकी, एंटरप्राइज को यहाँ पर हम लेकर आए हैं, एंटरप्राइज ये किसकी है आपका, मैक इंटायर, ठीक है। और आपकी लॉन फॉक्स डांसिंग ये किसकी है, रस्किन बॉन्ड साहब की है। और फादर रिटर्निंग होम तो दिलीप चित्रे जी की है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि 40 किलोग्राम वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी पर 16 सेकेंड में 6 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाती है, और लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति यानी कि पावर आपको बताना है कितनी है। तो पावर बराबर क्या होता है आपका, पी बराबर सब लोग जानते होंगे कि वर्क अपॉन टाइम होता है, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो आपको वर्क का पहले निकालना है, बटे जितना टाइम ले रही है वो, तो आपका आंसर वाट में आ जाएगा शक्ति, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो वो लड़की वर्क कर रही है वो निकालना होगा, ठीक है। तो 40 किलोग्राम वजन की कोई लड़की है और वह जो है तो 6 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है, यानी कि मान ली ये बेस है और वह 6 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर कहीं पर आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो लड़की का मास कितना है, 40 किलोग्राम, और कितनी ऊंचाई पर आ रही है वो, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर की, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इससे तो ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, MgH, ठीक है। पोटेंशियल जो एनर्जी होती है आपकी, MgH के बराबर हो जाएगा वर्क। तो वर्क बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मास आपका 40 है, मल्टीप्लाई जी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 ले लेंगे, ठीक। और यहाँ पर जो हाइट है आपकी एच का मान वो 6 मीटर है, ठीक है। तो वर्क तो आपके इधर से क्या आ जाएगा, 2400 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 2400 और बटे में आपका जो टाइम होगा, तो टाइम कितना, 16 सेकेंड का ले रही है, ठीक है, तो बटे 16 कर देंगे, तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 150 वाट आ जाएगा, ठीक है, 150 वाट, क्लियर है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्योहारों का त्योहार यानी कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के रूप में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड में यह त्यौहार मनाया जाता है, त्योहारों का त्यौहार जिसे हॉर्नबिल कहते हैं। और यहाँ पर अगर दूसरे डांस देखते हैं, ओणम, ओणम दोस्तों केरल में मनाया जाता है, पोंगल आपका तमिलनाडु का है, हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड, यहाँ पर इनमें कन्फ्यूज नहीं होना, हरेली और हरेला में, ठीक है। हरेली जो है छत्तीसगढ़ में और हरेला कहाँ पर, उत्तराखंड में। और खजुराहो फेस्टिवल आपका मध्य प्रदेश में होता है, क्योंकि खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो, ठीक है। और माजुली आपका असम, और नुआखाई आपका उड़ीसा, पुष्कर आपका जम्मू कश्मीर में होता है, सरहुल झारखंड, हॉर्नबिल नागालैंड, देखो यहाँ पर। और आपका राउफ एक होता है, वो भी जम्मू कश्मीर में होता है, और राउफ एक डांस फॉर्म है, ठीक है, ये आप ध्यान दे रहे, पुष्कर
एक महोत्सव त्यौहार है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि कोई डैश किसी नोट या बही प्रकोष्ठी है, यानी कि रेडियल आयाम से शुरू होने वाली एक लाइन है जो फीचर के किनारे पर मौजूद तीर के शीर्ष पर समाप्त होती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लीडर। ठीक है, तो लीडर के बारे में समझे, इसको अग्रक भी बोलते हैं। एक नोट या बीमा आकृति को उसकी विशेषता से जोड़ने वाली पतली सशर्त रेखा जिस पर यह लागू होती है। लीडर का एक सिरा या तो एक तीर के सिरे या एक बिंदु पर समाप्त होता है। ठीक है, यानी कि लीडर आपका कैसा हो सकता है, इस तरह से जैसे एक बिंदु से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एक तीर से समाप्त होती है, इस तरह के ये से लीडर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता डैश में लिखी जाती है। ठीक है, बैटरी की क्षमता आपको किस में लिखी जाती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एम्पियर आवर। ठीक है, यानी कि AH। क्लियर है, तो यहाँ पर बैटरी की क्षमता, इसे बैटरी में प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण, ठीक है, उत्पन्न बिजली की कुल मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जो होती है तो उसके कारण जो बिजली की कुल मात्रा उत्पन्न होती है उसी के रूप में से क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। किसे? बैटरी क्षमता को। और इसे दोस्तों एम्पियर घंटे में व्यक्त किया जाता है, ये आप ध्यान देना। ठीक है, तो राइट आंसर आपका एम्पियर मीटर हो जाएगा, सॉरी एम्पियर आवर। क्लियर है, तो और आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, वाईफाई। ठीक है, डैश वाईफाई नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाने वाले वायर्ड इक्वलेंट प्राइवेसी, यानी कि वायर्ड इक्वलेंट प्राइवेसी में एक सुधार है। ठीक है, क्या सुधार है? WPA, यानी कि वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस जो है, वाईफाई नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाने वाले वायर्ड इक्वलेंट प्राइवेसी में एक प्रयुक्त सुधार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और इनके फुल फॉर्म जरूर याद रखना। ठीक है, WPA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस। और WEP का फॉर्म क्या हो जाएगा? वायर्ड इक्वल, ठीक है, इक्विलेंट प्राइवेसी, ये याद याद रखना। यहाँ पर आपका 8वां क्वेश्चन है, इसमें यूनिट जेट आपको पूछा गया है। तो यूनिट जेट कैसे निकालते हैं, जैसे तीन है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर तीन है तो आप क्या करें, जो पावर है तो उसमें चार का डिवाइड करें। ठीक है, चार का डिवाइड अगर करते हैं 68 में तो पूरा पूरी बार जा रहा है, तो रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है ना तो हमेशा क्या लें, जिस भी संख्या की घात, कोई भी संख्या हो अगर उसका जो घात है वो अगर चार से डिवाइड हो रही है तो घात हमेशा चार ही मान लेना। ठीक है, 3 की पावर 4, और 4 की पावर अगर आपका विषम होगा ना फ्रेंड्स तो 4 ही आएगा, ये आप ध्यान देना। सम होता तो 6 आता। ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 की पावर कुछ भी हो तो आपका 5 ही आएगा। तो यहाँ पर 3 की पावर 4 अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 × 9, 9 × 3 = 27, 27 में यूनिट जेट क्या हो जाएगा? 7, 7 × 3 = 21, तो यूनिट जेट इधर से क्या आ जाएगा? 1, इधर से 4, इधर से 5। ठीक है, तो आपका क्या आ जाने वाला है, 5 × 20, यानी कि आपका यूनिट जेट 0 आने जाने वाला है। ठीक है, आप चाहते हो तो 3 का यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपका अगर 5 है ना और उसके साथ में कोई यूनिट इकाई क्या है, सम है। ठीक है, तो हमेशा क्या आता, 0 आता, अगर विषम होता तो विषम आता। ठीक है, ये आप ध्यान रखते हैं। ठीक है, यानी कि 5 आ जाता। अगला क्वेश्चन, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, बर्फ का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, पानी की तुलना में कम होता है, तभी तो जो बर्फ होता है पानी पर तैरता है ना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला, किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश को सांख्यिक माप होता है। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है किसके सांख्यिक माप के बराबर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण। तो त्वरण दोस्तों जो जड़ता होता है द्रव्यमान के समानुपाती होता है, और जड़त्व गति में परिवर्तन का प्रतिरोध है। ठीक है, यानी कि जब भी आप जैसे यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और आप एकदम से बैठे हैं, ठीक है, और एकदम से आपने चालू स्टार्ट, एकदम से आपके एक्सीलेटर खिंच गया गाड़ी का, तो आप जैसे गति की दिशा, गाड़ी की दिशा, गति जो गाड़ी की गति की दिशा इस तरफ होगी तो आप हमेशा पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध होता है। ठीक है, जो जड़त होता है वो क्या होता है, गति के परिवर्तन का प्रतिरोध होता है। और किसी वस्तु के जड़त्व के कारण वह चलती रहती है तब तक यह गति मान नहीं होती। ठीक है, जब तक किसी असंतुलित बल द्वारा इसकी गति को बदलने के लिए इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो यह वेग में परिवर्तन के प्रतिरोध का मापक। तो यहाँ पर आप सिंपल यही याद रखना कि द्रव्यमान जो होता है किसके सांख्यिक माप के बराबर होता है, तो जड़त्व के सांख्यिक माप के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विभवांतर यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका, वो उसकी इकाई, ऐसा इकाई क्या होती है? तो वोल्ट होती है, सभी को मालूम ही होगा। अगला क्वेश्चन, एम्पियर आपकी विद्युत धारा और आपके कूलम्ब आवेश की होती है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना। अगला, भाखरी और थाली पीठ पारंपरिक रूप से किस तरह के व्यंजन है? तो महाराष्ट्रीयन व्यंजन है ये, कौन से? भाखरी और थाली पीठ, याद रखना। ए और सी एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं? यहाँ पर 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस सी 12, और ए बी सी यह काम 4 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं? 4 दिन में, तो बोला गया है। तो अकेले बी यह काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो आपकी अगर बी की क्षमता आपको मालूम हो जाएगी तो आप निकाल लेंगे कितने दिन में कर पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, टोटल वर्क मान लेते हैं, इनका एलसीएम क्या, 12। तो यहाँ पर ए और सी की क्षमता क्या आ जाएगी, 1, और ए बी सी की क्षमता आ जाएगी 3। तो अगर ए और सी की क्षमता क्या है, ए और सी की क्षमता 1 है और ए बी सी की क्षमता 3 है, तो जो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तभी तो 3 होगा टोटल, ठीक है। तो बी की क्षमता 2 आ गई और टोटल वर्क 12 है, तो आप कितना टाइम लेगा जो बी, 6 घंटे, ठीक है, यानी कि 6 दिन, क्योंकि तो दिन में टाइम दिया गया ना, तो 6 दिन आ जाएगा आंसर। अगला, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है और इसमें आपको कुछ नहीं करना, बोला जा रहा है कि सभी मिनट सेकंड, तो सभी मिनट किसके अंदर कर लें, सभी मिनट सेकंड के अंदर कर लें, ठीक है ये। उसके बाद बोला जा रहा है कि कोई सेकंड घंटी नहीं है, तो कोई भी सेकंड किसके अंदर नहीं है, घंटे के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि आवर के अंदर नहीं आएगा ये। तो बोला जा रहा है निष्कर्ष पहला कि कोई घंटे सेकंड नहीं है, तो कोई घंटे सेकंड नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और कुछ मिनट घंटे हैं, तो कुछ मिनट घंटे हैं, बिल्कुल गलत, ठीक है। कहाँ है यहाँ पर कुछ मिनट और घंटे के बीच में कोई संबंध हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको केवल पहला ही निष्कर्ष करेगा। बोला जा रहा है कि मार्च यानी कि मार्च 6 तारीख को, 6 मार्च को 1989 को कौन सा दिन था? इसको कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे निकालने का तरीका है वो समझिएगा आप। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो देखो 1989 है ना, तो हमारे जो परफेक्ट ईयर कहाँ तक आ रहे हैं, 1988 तक, तो पूरी तरह से कंप्लीट ईयर है, ठीक है। तो 1900 शताब्दी है, यानी कि 1900 को हम क्या करना होगा, 400 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 400 का 400 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 चुको 16 बार, 4 बार जाएगा 1600, 300 रिमाइंडर आएगा। तो दोस्तों जब अगर आपका रिमाइंडर, देखो जब आपका रिमाइंडर इधर लिख देते हैं, जब आपका रिमाइंंडर 100 आए तो 5 लेना है ऑटे विषम दिन, 200 आए तो 3 लेना है, और 300 जब आए आपका रिमाइंडर तो आपको 1 लेना है। अगर कुछ नहीं रिमाइंडर आए तो आपको क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आया है, 300 आया ना, तो जो 19वीं शताब्दी के लिए लेना है आपको ओडे, तो वो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका 88 दिन, 88 ईयर ये है, तो 88 ईयर है, तो 88 आपके ओडे ये हो जाएंगे। और प्लस इस 88 दिन में क्या कितने लीप ईयर आ जाएंगे, 4 को इसमें डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रत्येक 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, तो 22 लीप ईयर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और उसके बाद आपने ये कितना कंप्लीट कर लिया, 1988 तक तो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको 6 मार्च तक जाना है, तो मार्च के ओडे कितने हो जाते हैं, 3। और डे कैसे निकालते हैं, देखो मार्च जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं ना, उसमें 7 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद दोस्तों सेम दिन आता है, ठीक है। तो 7 चुको 28 रिमाइंडर बचेगा 3, जो रिमाइंडर आएगा वही ओड डे होता है, तो जनवरी का 3 आ जाएगा। फरवरी में दोस्तों 0, 28 दिन ही होते हैं, तो ओड डे क्या हो जाएगा, 0, और मार्च के 6 दिन तक जाना है, ठीक है। अब आपको सिंपल इनको सभी को जोड़ लेना है और 7 का डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर से आप देखें तो 6 3 9 और 22 कितना हो जाएगा, 31, 31 और 1 32, और 32 और यहाँ पर 88, यहाँ पर 120 हो जाने वाला है। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 बचेगा 5, ठीक है। और 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 50 आ गया आपका। अब आपको क्या करना होगा, 7 7 49, ठीक है, तो 49 यानी कि आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी कि 1 वाला कौन सा दिन हो जाता है, सोमवार, ठीक है, और 2 वाला आपका हो जाएगा मंगलवार, 1 से स्टार्ट होते हैं शनिवार तक 6 तक जाते हैं, ठीक है, और जो रविवार होता है 0 होता है, ये आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर समीकरण का आपको चिन्ह बदलना है ताकि ये बराबर हो जाए, ठीक है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई को अगर चेंज करते हैं आप, ठीक है, तो 6 और -2 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5, ठीक है, ये 6 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं 6 -1/2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5, तो ये भी 5 है, ये प्लस का 5 माइनस का 5 कट जाएंगे, तो 6 आपका आ जाएगा, यानी कि यही आपका
राइट पे जाने वाला है। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि ये दिया है ना, और आर को सिर्फ एक बेटी है, आप मतलब कि आपको इसका बताना है, इसके ब्लड है, सब क्वेश्चन है। तो पी डॉलर आर यानी कि डॉलर का अर्थ यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, ई एफ की पत्नी है, यानी कि ई एफ की पत्नी, यानी कि क्या हो जाएगा, पी आर की पत्नी, यानी कि आर क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो पति पत्नी है इसलिए हमने इसमें क्या लगा दिया, गोल लगा दिया। उसके बाद परसेंटेज दिया, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, एफ, ठीक है, एफ यह ई के पिता है, यानी कि एफ जो ई के पिता है, यानी कि इधर क्या हो जाएगा, आर एस के पिता हो जाएंगे, तो आर एस के पिता हो जाएंगे, कि एस नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एंड है, एंड का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि ई एफ की बहन, तो यानी कि एस जो है क्योंकि बहन हो जाएगी, तो एस एस बहन हो जाएगी क्योंकि, तो एस फीमेल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बोला जाएगा कि यदि आर को सिर्फ एक बेटी, यानी कि आर को अगर सिर्फ एक बेटी, तो एस तो केवल एक बेटी हो गई, अब बाकी बचा हुआ क्यों क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, बेटी तो नहीं हो सकती क्योंकि साफ साफ बोला गया कि आर की केवल एक ही बेटी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कौन सा सही है आपको बताना है, तो क्यू पी का पुत्र है, तो बिल्कुल क्यू जो पी का पुत्र है, बिल्कुल सही बात है, यही सही है, बाकी सब गलत होंगे। जैसे पी क्यू के पिता है, तो पी क्यू के पिता नहीं है, माता है, ये गलत है। क्यू पी की बहन है, क्यू जो है, क्यू पी की बहन नहीं है, गलत है ये भी। क्यू पी की बेटी है, बिल्कुल ये गलत, आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र की खास एजेंसी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आसियान, ठीक है। और आसियान दोस्तों क्या है आपका, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा आपका, इसकी स्थापना 1667 में हुई थी, ठीक है, और इसमें अभी 11 कंट्री हो गए हैं, ठीक है। और इसकी जो इसका हेडक्वार्टर है आपका इंडोनेशिया जकार्ता में है, यहाँ पर याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि अंग्रेजी इकाई में फारेनहाइट के कथनांक और हिमांक के ठीक डिग्री डैश डिग्री पर अलग होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने पिछली शिफ्ट में कराया था, ठीक है, जो 22 जनवरी की पहली दूसरी शिफ्ट थी उसमें कराया था मैंने यही क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अब हम नहीं कराएंगे, जो अंग्रेजी इकाई का मतलब क्या है आपका, फारेनहाइट में ही चेंज करना है, ठीक है। देखो आपको बता दीजिए, जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या निकालना है कि फारेनहाइट में पहले इस 100 डिग्री सेल्सियस को क्या बदलना है, फारेनहाइट में बदल देना है, और 0 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलना है, दोनों के बीच का जो अंतर आएगा ना वो 180 फारेनहाइट आएगा, यही पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि बयान है, यदि यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो सड़क दुर्घटना की संख्या आधी हो जाएगी, ये आपका बयान है, ठीक है। आप उससे निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, वो जो राइट होगा वही आप आंसर देना है, ठीक है। दूसरा है, सभी यातायात दुर्घटना का कारण यातायात पुलिसकर्मी का ना होना है, बिल्कुल गलत, ऐसा थोड़ी कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, कितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, तो पुलिसकर्मी के ना होने के कारण होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद जहाँ यातायात दुर्घटना नहीं होती है, नहीं होता, वहाँ यातायात पुलिसकर्मियों को तैनात करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत, ठीक, ऐसा थोड़ी कि अगर वहाँ पे दुर्घटना नहीं हो रही थी वहाँ पर पुलिसकर्मियों को तैनात करना हो सकता नहीं, ठीक है। तो ऐसे में तो सारा लफड़ा ही हो जाएगा। यदि चौथा क्वेश्चन देखें, चौथा ऑप्शन, तो यदि यातायात पुलिसकर्मियों का वेतन दोगुना किया जाए तो यातायात की दुर्घटना आदि हो जाएगी। अरे भाई क्या बात ही कर रहा है, पहला ही आपका राइट हो जाएगा। तो पढ़ें, यदि यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या आधी हो गई तो सड़क दुर्घटना की संख्या में बढ़ोतरी होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि अगर यातायात की पुलिसकर्मियों की संख्या आधी हो जाती है तो सड़क दुर्घटना में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, ये इधर बयान से निकल रहा है। देखो अगर यदि यातायात के पुलिसकर्मियों की संख्या दुगुनी की जाए तो सड़क दुर्घटना कम हो रही है, ठीक है, आधी हो रही है, यानी कि कम ही हो रही है। अगर दुगुना करने पर संख्या, यहाँ पर दुर्घटना आधी हो रही है, तो पुलिसकर्मियों की संख्या अगर कम करने पर क्या होगा, दुर्घटना अधिक होगी, बढ़ोतरी होगी, बिल्कुल सही बात है। अगला, यहाँ पर आपको एंड का कोड बताना है क्या होगा, ठीक है। तो एंड एंड वाला इधर है, ठीक है, तो पहले आपको क्या पता करना चाहिए कि वुल मिल्क, तो शेप गिव्स वुल मिल्क, तो यहाँ पर आपका शेप गिव्स मिल्क, आपका देखो इधर क्या है, सीप गिप्स वूल, और इधर 517 है, और आपका यहाँ पर क्या है, 395, यानी कि आपका वूल का क्या हो जाएगा, वूल का आपका हो जाने वाला 5, ठीक है। तो 5 तो आंसर होगा नहीं,
उसके बाद आपका मिल्क इधर है और इसमें से मिल्क यहाँ पे है, ठीक है। तो मिल्क इधर है और इसका कोड क्या है, 173, और इधर पे मिल्क है, ठीक है, यानी कि इधर पर भी मिल्क है। तो इधर ना 9 कॉमन है, ठीक है, कि 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो मिल्क का 3 हो जाएगा, ठीक। मिल्क का 3 हो जाएगा। अब बाकी बचा हुआ आपका, इसमें से क्या बचा हुआ, केवल आपका 9 ही तो बचा, तो वही आपका आंसर हो जाने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कूलम प्रवाह है लगभग डैश इलेक्ट्रॉन के प्रवाह चार्ज के बराबर होता है, जिसका राइट आंसर आपका हो जाने वाला है 6 × 10^18, ठीक है, कूलम चार्ज होता है, ठीक है। अगला, किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन डैश पर होगा, ठीक है, तो पृथ्वी पर शून्य होगा, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर बराबर होगा, बिल्कुल गलत, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक होगा, बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटेशन आपका गुरुत्वीय त्वरण मून पे होता है, तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के क्या होता है, छठवें भाग के बराबर होता है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, चंद्रमा की तुलना पर पृथ्वी पर जो उसका मास होगा वह क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना, वजन वजन अधिक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ए बी सी डी एक गोल गोल टेबल पर बैठे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक गोल टेबल बना लेते हैं, ए बी सी डी के लिए बैठने के लिए चार लोगों के लिए बना लिया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सी और बी के बाजू में नहीं बैठा, तो यहाँ पर पहले इसको नहीं करेंगे, डी यह सी के दाएं, ठीक है, जो डी है वो सी के दाहिनी ओर है, तो डी सी के दाहिनी ओर ही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो दाहिनी ओर, समझ रहे हो ना, यहाँ पर देखो बोला नहीं गया कि टेबल में अंदर की ओर मुख करके बैठे कि बाहर की ओर मुख करके बैठे, अगर ये बोला नहीं जाता, ने कई बार आपको बताया कि हमेशा अंदर की तरफ ही मानना है, ठीक है, अंदर की तरफ अगर वो बैठेंगे तो उनका दाया ये हो जाएगा और बाया ये हो जाएगा, ठीक है, ये राइट और ये लेफ्ट, तो सी के राइट तरफ बैठा है डी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सी बी के बाजू में नहीं बैठता, जो सी है बी के बाजू में नहीं बैठता, ठीक है, तो यानी कि बी यहाँ पर आएगा नहीं, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो इधर आ जाएगा आपका ए, तो यहाँ पर बोलना है कौन सा बयान गलत है, तो बयान आपका दूसरा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए जो है यह डी और सी के बीच में नहीं बैठा, जो ए है बी और सी के बीच में बैठा है, ना कि डी और सी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो सभी पॉलीमर आपके क्या है, प्लास्टिक है, तो सभी पॉलीमर ले लें आप, सभी पॉलीमर, ठीक है, तो सभी पॉलीमर पॉलीमर ले लें आप प्लास्टिक के अंदर, इसके बाद कोई भी रबर प्लास्टिक नहीं है, ठीक है, तो कोई भी रबर किसके अंदर नहीं है, प्लास्टिक के अंदर नहीं है, ठीक है। अब आपका कुछ पॉलीमर रबर है, ये बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि तो पॉलीमर, अगर प्लास्टिक और रबर के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो पॉलीमर के बीच में कोई संबंध हो ही नहीं सकता रबर का, कुछ प्लास्टिक पॉलीमर है, तो कुछ प्लास्टिक पॉलीमर है, बिल्कुल सही बात है, ये कोई पॉलीमर रबर नहीं है, बिल्कुल सही है, दूसरा और तीसरा आप राइट हो जाएंगे। किसी साधारण मशीन की दक्षता डैश के रूप में यहाँ पर तय किया जाता है दक्षता को, तो किसी भी आपकी सिंपल मशीन की जो इफिशियंसी होती है, क्षमता होती है, दक्षता होती है, वो क्या होती है, वह हो जाती है आपकी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, यानी कि यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात, तो आपका आंसर यही हो जाएगा दूसरा। अगला, त्रिभुज ओ पी क्यू और आर एस टी, तो त्रिभुज कौन कौन से हैं, ओ पी क्यू, ठीक है, और त्रिभुज क्या है, आर एस टी क्या है, आपस में समान है कि समरूप है, ठीक है, यहाँ पर जो ओ पी और आर एस का अनुपात दिया गया है, यानी कि ओ पी और आर एस का अनुपात 3:5 क्या है, 5 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3/5 ले लें डायरेक्ट हम, ठीक है, क्योंकि जो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान रहता है, और यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर पी क्यू 6 दिया है तो आर एस टी का मान पूछा गया है, और पी क्यू 6 है तो एस टी का मान पूछा गया, यानी कि यही पी क्यू की संगत भुजा क्या हो जाएगी, एस टी ही हो जाएगी, तो 6 बटे क्या हो जाएगा एक्स, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बोला जा रहा है कि दो प्रतिरोध 8 ओम और 24 ओम को समांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है, इस संयोजन को 14 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में श्रृंखला में जोड़ा जाता है, तो 8 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी धारा होगी ये आपको बताना, ठीक है,
तो यहाँ पर कुछ नहीं आपको करना, देखो डायग्राम बनाना हो तो बना लीजिए, बना लेते हैं, ये आपका डायग्राम बना लेते हैं पहले। एक इधर से आप क्या करें, डायग्राम बना ले, तो यहाँ पर प्रतिरोध लगा देते हैं, दो प्रतिरोध 8 ओम और 24 ओम के, ठीक है, इस तरह से। और एक चीज़ और है यहाँ पर, देखो कि आगे इस संयोजन को 14 ओम के प्रतिरोध और 12 वोल्ट की बैटरी को सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी कि सीरीज में जोड़ देना हमें, इधर पर जोड़ देते सीरीज में, ठीक है, और इधर 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब आपसे देखो क्या बोला जा रहा है, इधर मान लेते हैं 8 ओम का प्रतिरोध है और ये आपका 24 ओम का है, ठीक है, और ये यहाँ पर है 14 ओम का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस समांतर जो श्रेणी समांतर क्रम में जो जुड़े हुए हैं प्रतिरोध, उनका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/8 / 1/24। तो यहाँ पर 1/R बराबर आपका क्या हो जाने वाला है, इधर से 24 अगर एलसीएम ले लें तो 3 और 1 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 4/24, यानी कि 1/6 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी समतुल्य प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, 6 ओम, ठीक है। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर जो प्रतिरोध आ जाएगा 6 ओम का आ जाएगा। तब आप इनके इनके बीच में समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, थोड़े श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आर का मान क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े तो सिंपल उनका योग कर देंगे, तो 20 ओम तो इधर आ जाएगा। और अब आपका वोल्ट इतना है बैटरी का वोल्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी धारा I बराबर क्या हो जाएगी, V/R होता है ना, तो V/R, तो यानी कि आपका 12/20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे 3, और 3/5 एम्पियर आपकी धारा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 8 ओम वाले प्रतिरोध पे आपको धारा बताना है कितनी हो जाएगी, अगर समांतर क्रम में आपके प्रतिरोध जुड़े हुए हैं ना, तो धारा क्या कैसे बढ़ती है, देखो इनका अनुपात ले ले पहले, 8/5 / 24, यानी कि 1 अनुपात कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जो धारा का जो अगर ये प्रतिरोध का अगर आपका ये अनुपात है, तो जो धारा का अनुपात क्या हो जाएगा, वह उल्टा हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, ये आप ध्यान दें, ठीक है। यानी कि इधर 3:3 प्रवाहित होगी धारा, और इधर 1:1, टोटल कितने, 4:1 की धारा है, 4:1 बराबर आपका इसके 3/5 के बराबर हो जाएगा। 1:1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3/20, ठीक है। और आपको कितना निकालना है इसके, 3:1 की वैल्यू, क्योंकि 8 ओम वाले प्रतिरोध पर धारा निकालना है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 9/20 आपका आंसर हो जाएगा। और 9/20 को कैसे लिख सकते हैं आप, कैसे लिख सकते हैं, 0.47, ठीक है। तो राइट आंसर आप देखें किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर मोटी और 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली किसी स्टायरोफोम सीट में इसके आंतरिक और बाह्य सतहों के बीच तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, और सीट पर प्रवाहित ऊष्मा की दर कितनी है आपको बताना है, और ऊष्मा चालकता आपकी ये दी हुई है, ठीक है। तो ऊष्मा प्रवाह की दर जब भी दोस्तों निकालना होता है, तो क्यू बराबर क्या हो जाता है आपका, क्यू बराबर के, यानी कि ऊष्मा चालकता मल्टीप्लाई आपका एरिया जो होता है वो, और मल्टीप्लाई आपका तापांतर, और बटे उसकी मोटाई या फिर लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी जो मोटाई दी हुई है थिकनेस, वो लिख लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले में सिंपल आपको मान रख देना, तो विद्युत उसमें चालकता क्या है, 0.01 है, मल्टीप्लाई आपका एरिया कितना है, एरिया कितना दिया हुआ है, 0.25, यानी कि इसको 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई आपका तापांतर 40 हो जाएगा, और बटे में आपका मोटाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे, तो 100 ऊपर हम भेज देते हैं, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सॉल्व करेंगे अगर, तो 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, ओके। 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है आपका, 20 बार, इधर से आपका 200 आ जाएगा, 0.01 × 200, ठीक है। तो 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 जूल/सेकेंड, या क्या होगी, ऊष्मा प्रवाहित होगी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई वस्तु अपने विराम से x = 0 मीटर और t = 0 सेकेंड से चलना शुरू करती है, और एक्स अक्ष के पास 4 मीटर/सेकेंड² के नियत चरण के साथ घूम जाती है, तो समय 2 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच का इसका औसत वेग क्या होगा,
मैंने कई बार ये क्वेश्चन बताया है लेकिन एक बार और बता देते हैं। तो एस बराबर है, यहाँ पर एस वन अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर आपका यूटी आपका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक बिल जीरो ही है क्योंकि वस्तु विराम अवस्था में थी। यूटी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू इधर 4 है और पहला टाइम क्या है टी टी वन क्या है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी कि इधर से आपका डिस्टेंस जो आपका विस्थापन आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एस टू अगर देखें तो वह क्या हो जाएगा 1/2 × 4 × 6 सेकंड बाद, ठीक है। तो 36 हो जाएगा, यानी कि इधर क्या आ जाएगा 72 मीटर। तो आपसे क्या बोला गया कि दो समय 2 सेकंड और 6 सेकंड के बीच, यानी कि 2 सेकंड और 6 सेकंड के बीच कितनी दूरी करेगा। देखो टोटल डिस्टेंस उतने 6 मिनट में 6 सेकंड में इतनी तय की और 2 सेकंड में इतनी तय की, तो 2 और 6 के बीच में कितनी दूरी तय कर लेंगे, कितनी दूरी हो जाएगी आपकी 64 64 मीटर, ठीक है। और बटे अंतर कितना है, आपका समय का अंतर कितना है 4 सेकंड का, ठीक है। यहाँ पर 4 सेकंड का, तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। अगला देखो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि 184 तथा 345 के मासा और SCF, ठीक है, यानी कि लासा और मासा के बीच जो अंतर है वो आपको निकालना है फर्क, ठीक है। तो LCM और SCF यहाँ पर निकालना चाहें आप तो मेरे हिसाब से क्या कर सकते हैं कि 84 को अगर देखें आप, 84 के टुकड़े करें आप सबसे पहले, ठीक है। 84 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं आप, 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा 4 × 16 और फिर कितनी बार जाएगा 4 × 6 = 24, ठीक है। और 46 को भी आगे डिवाइड करेंगे तो 8 × 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 तो आपका SCF हो सकता है, कैसे, क्योंकि अगर 23 आप देखें तो देखो 46 तो हो नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 5 लगा है लास्ट में, ठीक है, सम आना चाहिए तो सम तो है नहीं, तो इसलिए 46 से नहीं, क्योंकि हमने उसको और डिवाइड किया 46 को, ठीक है। तो 23 में हो सकता है, 23 अगर करेंगे तो 23 से कम 23, उसके बाद बचेगा आपका कितना 111 हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है। 23 × 5 = 111, तो यानी कि 15 × 23 आपका ये हो जाएगा। आपका LCM क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, और LCM निकालेंगे तो LCM क्या हो जाएगा 23 × 8 एक बार ये है और इसमें क्या है 15 और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 15 × 120 यानी कि 23 × 120 कर देंगे तो आपका LCM निकल आएगा। तो यहाँ से 12 × 3 = 36 और 12 × 2 = 24, 3 = 27, ठीक है। 2760 आपका क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ, 2760 आपका क्या हो जाएगा LCM, और HCF आपका क्या था 23। अब इनका अंतर आपको निकालना था तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2737। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है कि 4/5 बराबर क्या है आपका, देखो 4/5 अनुपात आपका क्या है 0.8 है, ठीक है। यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो आपका 5/8 अनुपात x मान लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से 8 से 8 को काट दें और 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि बचेगा आपका कितना 4 × 8, ठीक है। ऐसे करेंगे क्या इसको, ऐसे तो नहीं करना होगा, ठीक है, यहाँ पर समान अनुपात वाला है ये, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे क्या। चलिए तो इसको करने के तरीके देखो कैसे होगा वो आप देखिए पहले। तो 4/5 को अगर ये 0.8 लिख रहा है, 0.8 लिख रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा 4/5 0.8 ही तो होता है ना, 0.8 ही होता है। 5/8 को क्या लिखेंगे वो आपसे बोला गया, तो ये क्या हो जाएगा 600.625 ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना था आपको, ठीक है। अगला किसी पेंच की चूड़ी पर बिंदु से अलग, ठीक है, बिंदु से अगले चूड़ी के संगत बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं आप, पिच कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझ गए ना आप पिच किसे कहते हैं, समझ गए हो ना, समझ गए होगे। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे चूड़ियाँ होती हैं ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को भी पिच कहते हैं, ऐसा। अब ये क्वेश्चन तो मैं बताने वाले से नहीं है, बोला गया कि प्रत्येक 10 ओम वाले प्रतिरोध को समांतर, ठीक है,
कि पैरेलल में जोड़ा जाता है, फिर इसे संयोजन को तीसरे यानी कि 10 ओम प्रतिरोध और 6 वोल्ट की साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है, तो परिपथ यानी कि धारा क्या होगी आप कर लेना। जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्पन्न होने वाले कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, तो यह आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय। ठीक है, तो जितने भी दोस्तों अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं ना, देखो ये सारी अधातु हैं, कार्बन भी धातु है, नाइट्रोजन भी धातु है, ऑक्सीजन भी आपका, सल्फर भी धातु है, और जितने भी आपके धातुओं के ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, और जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय होते हैं, तो यहाँ पर अम्लीय हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अधातु के ऑक्साइड है। अगला, ये भी क्वेश्चन कई बार कराए चुके हैं, ठीक है, तो इसमें केवल फॉर्मूले रख देते हैं हम। इसमें आपको बोला जा रहा है कि ऊष्मा स्थानांतरित की जाए, ठीक है, कितने ऊष्मा यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आपके यहाँ से हो जाएगा मास इंटू आपकी स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा मल्टीप्लाई आपका तापांतर, इसमें रख देना आपका आंसर आ जाएगा। बोला जा रहा है कि किसी बंद भरे हुए तीर के शीर्ष की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, यानी कि आप अगर जो एरो लेते हैं यहाँ पर उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछा गया, ठीक है, तो लंबाई आपकी ये वाली हो जाएगी इधर से इधर और चौड़ाई आपकी ये हो जाएगी, तो अनुपात क्या होता है, 3:1, ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला, 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु क्या है, 25 वर्ष है, ठीक है, यानी कि उनका योग क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, 6 सदस्यों के, और जिसमें से सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है, तो परिवार की औसत आयु यह छोटे सदस्य के जन्म के पहले कितनी थी, ठीक है, यानी कि 8 वर्ष पहले जो सदस्य कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, क्योंकि 8 वर्ष के बाद जो है तो कितने हो जाएंगे, सदस्य हो रहे हैं 6, तो 8 साल यानी कि जन्म के समय उसके कितने कितने सदस्य बचेंगे, केवल 5 ही, और तो हमें क्या करना होगा, जो एवरेज में 8 को माइनस करना होगा क्योंकि सभी लोग 8 माइनस होंगे जन्म के समय, ठीक है, यानी कि जो आपका एवरेज हो जाएगा 17 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 5 लोग बचेंगे, 17 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाने वाला, 17 अपना 85, तो 85 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ से जो है तो कितना आ जाएगा आपका, इधर से आपका आने वाला 5 और 14 6, ठीक है, लेकिन 65 बटे कितना आ जाएगा आपका, 5 लोग हैं, 13 आ रहा है। देखो इसको दूसरी तरह से करेंगे फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बोला जा रहा है कि 6 सदस्यों का परिवार क्या है, परिवार है और जिसकी औसत आयु क्या है, 25 वर्ष, ठीक है, यानी कि इनका योग कितना हो जाने वाला आपका, 150 हो जाने वाला है, ठीक है, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है जिसमें सबसे छोटे सदस्य कितने साल का है, 8 वर्ष का है, तो परिवार की औसत आयु क्या होगी जब छोटे सदस्य के जन्म के पहले, ठीक है, तो जन्म के पहले यानी कि देखो जन्म के यानी कि जब उसका जन्म होता है तो जन्म के बाद सभी की लोगों की आयु क्या हो जाएगी, 8 8 साल बढ़ेगी, यानी कि हमें क्या करना होगा, 8 इंटू कितने सदस्य हैं, 6, ये यानी आयु क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा, ठीक है, तभी तो जन्म के पहले उनकी औसत आयु निकाल पाएंगे, तो 8 संग 48 इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 102 आ जाएगा, ठीक है, बचे हुए सदस्य कितने हैं, वह जन्म के पहले बच्चे के, तो पहले 6 सदस्य थे, अब बचेंगे 5, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। देखो बोला जा रहा है कि एक्स यह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जिसे 237 से विभाजित करने पर विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, कि विभाज्य है, तो एक्स के अंकों का यहाँ पर योग बताना है आपको, ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है आपकी, 9999 होती है, तो इसको 237 से पहले डिवाइड करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 7 28, 4 3 12, 1 13 14, 4 2 8, 1 9, ठीक है, तो इधर से क्या जाएगा, 1 और 5 0 9, तो ये आप कितनी बार जाएगा, केवल 2 बार ही जाएगा, तो 37 दूनी 74 होता है, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 5 और इधर 4, यानी कि 45 आपका आ रहा है, ठीक है, यानी कि 45 जो एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि अगर आप इसमें 9999 45 माइनस कर देंगे तो 237 से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर जो आंसर आपका आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, 999 में से पहले 45 को माइनस करेंगे तो 4 5 9 9, यानी कि ये संख्या आ जाएगी, और इनका योग क्या हो जाएगा, 5 4 9, 9 2 18, 9 3 27 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला,
स्थानांतरित ऊष्मा या ऊर्जा की ऐसी इकाई क्या होती है? तो जूल होती है, यहाँ पर याद रखना। डैश एक ऐसी तकनीकी है जिससे कंप्यूटर और अन्य उपकरण वायरलेस सिग्नल के माध्यम से संचार कर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? वाईफाई। ठीक है, वायरलेस होती है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब दो निकाय ऊष्मीय संपर्क में होते हैं, ठीक है, जब दो निकाय ऊष्मीय संपर्क में होते हैं तो उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह तब होता है जब उनके डैश अलग अलग होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तापमान। यानी कि जैसे कोई वस्तु है यहाँ पर, उसका टेम्परेचर क्या है? 80 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी वस्तु इसी के साथ जुड़ी हुई है, संपर्क में है, उसका टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर तो तापमान में इसमें क्या, अगर ऊष्मा प्रवाहित हो रही तो कैसे होगी? इस अधिक ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की तरफ ऊष्मा प्रवाहित होगी। ठीक है, यहाँ पे याद रखना। और ऊष्मा तभी प्रवाहित होगी जब इनके बीच में तापांतर, यानी कि तापमान में अंतर होता, तो प्रवाहित होगी। अगर यहाँ पर यही 80 का होता, ये भी 80 का होता, तो कोई टेम्परेचर में अंतर ही नहीं रहता, तो तापमान जो ऊष्मा होती वह क्या नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती किसी भी तरफ। ठीक है, तो राइट आंसर तापमान हो जाएगा। अगला, एस को क्या लिख रहे हैं? टी, -4 कर रहे हैं, फिर -4 -4 फिर -4 करेंगे तो एच वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित मूल्य, यानी कि 1000 के मूल्य को 2 वर्षों तक 5% प्रतिवर्ष के समान ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज पर लगाया जाए तो उसका 4 वर्षों तक उसी ब्याज दर से, किंतु चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए जाए तो समान ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको साधारण ब्याज निकालना होगा कि 2 वर्ष 5 महीने, 2 वर्ष और 5% की दर से 1000 का जो क्या होगा रेट, यानी कि जो साधारण ब्याज कितना निकलेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 दुनी 10 होता है, 1000 का 10% 100 ही होता है। तो आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 4 वर्षों पर, और यहाँ पर उसी ब्याज दर पर। ठीक है, 4 वर्षों पर और उसी ब्याज दर पर 5% पर। ठीक है, यानी कि क्या निकालना होगा? 5% रेट है आपकी, और टाइम आपका क्या है? 4 ईयर है। तो आपको क्या निकालना है? 100 का निकालना है कितना चक्रवृद्धि ब्याज इस पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 5% का मतलब क्या होता है? 1/20 होता है ना। तो 100 का सबसे पहले 1/1 हमें क्या निकालना होगा? 1/100 का जब 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इधर 5 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर 5 आ जाएगा, तो 5 को 5/20 करेंगे, 1/20, तो कितना आ जाएगा आपका? 1/4। ठीक है, यानी कि 0.25 हो जाएगा आपका, 0.25। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करना होता है? देखो, जब भी 4 वर्ष लेते हैं ना, तो यहाँ पर देखो, जब 2 वर्ष लेते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 2 और 1 का। ठीक है, 3 वर्ष लेते हैं तो 3 3 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, जब 4 वर्ष लेंगे तो 4 6 4 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि आपका 20 तो इधर से बन जाएगा, और 25 6 1 पॉइंट कुछ इधर से बन जाएगा। ठीक है, तो लगभग आपका 21.55 ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो समान नल एक टंकी क्रमशः 10 घंटे में भर सकते हैं। दो समान नल एक टंकी क्रमशः 10 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि एक नल जो होगा, मान लेते हैं ए है, वह 10 घंटे में भर लेंगे, सर दोनों ही भर लेंगे। उसके बाद बोला गया है कि दो टंकी को एक छेद के साथ 4 घंटे में भरने के लिए, यानी कि टंकी है, टंकी, ठीक है, मान लेते हैं वो टंकी क्या है, कोई भी है, बी है जैसे, और मान लेते हैं ए कितने पाइप ऐसे इस तरह के जुड़े हैं, एक्स पाइप जुड़े हैं। ठीक है, तो कितने देर में भर लेते हैं? 4 घंटे में। तो यहाँ पर जो क्षमता इधर से क्या आ जाएगी, क्षमता टंकी की मान लेते हैं 20, तो ए की क्षमता आ जाएगी आपकी कितनी? 2 आ जाएगी, और इधर क्या आ जाएगी? 5। तो आपको क्या करना है कि देखा, आगे बोला जा रहा है कि कितने नल लगेंगे। ठीक है, तो भरने के लिए 4 घंटे में भरने के लिए कितने नल लगेंगे जब वह छेद को टंकी 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, 4 घंटे में खाली कर सकता है, तो यहाँ पर क्या करना होगा फ्रेंड्स? आपको 4 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि क्षमता कितनी हो जाएगी? क्षमता चाहिए आपको 5। ठीक है, और आपका देख सकते हैं कि इधर आपका क्या है, इधर भी 5 है, इधर आपकी क्षमता आ रही है 5। आपको कितने ये वाले पाइप चाहिए? 5 ही चाहिए। ठीक है, अभी तो 10 में से 5 अगर जाएगा आपका, तो 5 क्षमता बचेगी, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। समझ लेना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई वस्तु 20 सेकंड में क्या होता है कि 200 मीटर की पहली दूरी तय करती है और अगली 200 मीटर की दूरी
30 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत वेग, तो एवरेज एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वो होती है टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आपका, 200 मीटर है, 200 मीटर यानी 400 मीटर, और टोटल टाइम कितना हो रहा है, 20 और 30 यानी कि 50 सेकेंड में। तो राइट आंसर इस आपका 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यदि किसी गेंद का द्रव्यमान और गति दोगुनी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 × मास अपॉन मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर ये होता है। तो अगर दोस्तों क्या किया जाए कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को भी दोगुना कर दिया जाए यानी कि 2m हो जाएगा, वेलोसिटी को भी दोगुना करेंगे यानी कि 4v² हो जाएगा, ठीक है, दोगुना करेंगे या 2v करेंगे, इसके स्क्वायर यही तो हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 × 4 × 8 m v², ठीक है। तो 8 × 1/2 m v² यानी कि ये तो पहले ही था, अब क्या हो रहा है उसका 8 गुना हो गया है, ठीक है। अगला आपको क्या निकालना है, यहाँ पर देखो दी गई जानकारी के रेंज यानी कि सीमा और माध्य के माध्य तसंभव लघुगणक निकालें, ठीक है। क्या बोला गया है कि दी गई जानकारी के रेंज की माध्य तथा बहुलक निकालें। क्या बोला गया है, मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये बोला गया है कि जो आपका जो सीमा निकलेगी यानी कि रेंज जो निकलेगा और जो बहुलक निकलेगा उसका आपको माध्य निकालना है, ये बोला गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप रेंज अगर सीमा निकालें तो सीमा क्या होता है, अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट सबसे अधिकतम मान क्या है, 21 है, और माइनस सबसे लो न्यूनतम मान क्या है आपका, 3 है, ठीक है ना। तो इधर से क्या आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। और आपको बहुलक निकालना, तो बहुलक इधर क्या है आपका, 11 बार जो अधिक बार नंबर आएगा वही उसका बहुलक हो जाएगा, तो 11 अधिक बार आ रहा है तो आपको 11 हो जाएगा। इनका माध्य निकालना है तो क्या हो जाएगा, 29/2, ठीक है ना, तो आपका आंसर 14.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि 600 ग्राम द्रव्यमान और 10 सेंटीमीटर वाला कोई घनी खंड शुद्ध पानी पर तैर रहा है, तो खंड का कितना भाग पानी में डूबा हुआ होगा। इसका आंसर आपका 60% हो जाएगा, ठीक है। अगला इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स दिया गया है कि दो रेलगाड़ी एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं जब उनमें 2500 सेंटीमीटर का अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके इनके बीच का गैप कितना है, दोनों ट्रेनों के बीच का 2500 मीटर का गैप है, और प्रथम रेलगाड़ी 15 प्रथम मान लेते 15 मीटर पर सेकंड, और दूसरी दी हुई है दूसरे की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, और दोनों क्या करते हैं एक दूसरे की तरफ यानी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो कितने समय के पश्चात वह एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ पर इनकी जो स्पीड होगा इनका योग हो जाएगा क्योंकि विपरीत दिशा में है, तो 25 हो जाएगा, और 2500 मीटर है यानी कि कितना टाइम ले लेंगी मिलने में, टाइम बराबर दूरी बटे चाल, 100 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। अगला ये क्वेश्चन में अब आपसे दिया गया है कि जिस प्रकार 4/9, ठीक है, 4/9 अनुपात अगर आपका x है तो 2/3 / 16/81, तो एक्स की वैल्यू आपको बताना, इस तरह से दिया हुआ, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल 4/9x हो जाएगा, इधर उधर क्या हो जाएगा 2/3, और 18 ऊपर चला जाएगा आपका, नीचे 16 बचेगा, ठीक है, हो जाएगा ना। अब आपको केवल सॉल्व कर लेना है, तो आपका इधर से 202 काट देंगे, 204 काटेंगे 2 बार जाएगा, है ना, और 2 से इसको काटेंगे तो ये 9 बार, ये 8 बार, 3 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार, ठीक। तो 3x/2 बराबर आपका क्या होने वाला है, 8/9। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इधर से 8 × 16/27 ये हो जाएगी, ठीक। कहीं कोई गलती की क्या, गलती ये की है फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या नहीं है, 18 नहीं है, ठीक है, 81 है, तो इसको दोबारा से कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो आपसे हो ही जाएगा, आसान क्वेश्चन है। 4/9x हो जाएगा बराबर, आपके इधर 81 था तो 2/3, और ऊपर 81 नीचे आपका 16। ठीक है, तो आप इसको 3 से इसको काट दीजिए तो ये 3 बार ही जाएगा, इसको इससे काट दीजिए 2 बार, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3x/2, यानी उल्टा कर देते हैं, और इधर से आपका 16/81, 2 इस तरफ पहुँच जाएगा यानी कि 32, और जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे पहुँच जाएगा यानी कि आप क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 243 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32/243। अगला, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के डैश स्रोत है, यानी कि गैर नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हैं। अगला, यहाँ पर आपको माध्यिका निकालना है, और बता दें फ्रेंड्स कि आपको अगर पीडीएफ इसकी चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल टारगेट विद टॉप गुरु में अवश्य जुड़ा, ठीक है। और क्वेश्चन में माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले देखिए कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर यहाँ पर इस संख्या जो नंबर दिए हुए हैं उस सम संख्या में है ना, तो 10 है ना, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ रहा है ना, तो 5वां पद और प्लस उसका अगला पद 6वां पद 2 करना है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में सीरीज को लिखेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले देखो यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे तो पहला 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या है ये 2, फिर 3, 4, 4, और उसके बाद ये 5, 5 के बाद ये 6, ठीक है, यानी कि 9 7 16/2 आपका आंसर हो जाएगा 8। अगला, अभी भारत के संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूची हैं, ठीक है, और जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियाँ थी, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने की CPU को मुख्य मेमोरी के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो कैश मेमोरी, ठीक है, तो कैश मेमोरी के बारे में देख लें, कैश मेमोरी एक तेज गति से काम करने वाली मेमोरी है जिसका इस्तेमाल CPU की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है होती है जिसका आकार साइज बहुत छोटा होता है और इसे CPU और रैम के बीच लगाया जाता है, याद रखना, ठीक है। इस सीरीज में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या आएगा, तो आप देख रहे होंगे कि इधर आपका माइनस कर रहा है 0.1.3, -1.3, -1.3, -1.3 जब करेंगे तो आपका आंसर 1.6 हो जाने वाला। समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज का को क्या कहते हैं जिसका कोई कोण समकोण नहीं है, ठीक है, तो आयत के तो कोण समकोण होते हैं ये भी नहीं होगा, वर्ग के भी आयत समकोण होते हैं ये भी नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, असमांतर चतुर्भुज ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो समान भुजाएं होना चाहिए, तो यहाँ पर असमांतर बोल दिया, भी नहीं होगा, तो सम चतुर्भुज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके जो चारों भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, लेकिन एंगल जो होता है वो बराबर नहीं होता, 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है। बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका कथक, ठीक है, और भरतनाट्यम याद रखना, मड़ा रानी सारी भाई सारा भाई और आपके यामिनी कृष्ण मूर्ति जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आपका ये पर्याप्तता वाला क्वेश्चन है कि यानी कि इस सवाल का उत्तर देने के लिए कौन से बयान पर्याप्त है, स्त्री की उम्र क्या है, आपको पता करना कि वह अपने पति से 3 साल छोटी है जो 5 साल बाद 40 साल का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 साल बाद 40 साल का क्या हो जाएगा उसका पति, यानी कि प्रेजेंट में कितने का है, 35 साल का, और जिसमें से वह 3 साल छोटी है अपने पति से, तो यानी कि 32 उसकी उम्र निकाल सकते हो आप इससे, ये पर्याप्त है। और अगला है, उसने अपने बेटे को जन्म दिया था, उसने अपने बेटे को जन्म दिया था तब वह 20 साल की थी जो अब 12 साल का, ठीक है, यानी कि जब उसने बेटे को जन्म दिया था तो वह 20 साल की थी, और उसका बेटा अब कितने का है, 12 साल का, यानी कि अब उसकी उम्र क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी, यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है, तो दोनों या तो एक या तो दोनों या तो एक या फिर दो पर्याप्त। एक वस्तु को 945 रुपये में 10% के घाटे पर बेचेगा, यानी कि अगर 10 उसका CP होगा तो SP क्या हो जाएगा, 9, तो 9:9 बराबर आपका 945 दिया हुआ है, 1:1 की वैल्यू आपकी क्या जाएगी, 105, तो CP आपके कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 1050, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक गांव की लड़की है और वह क्या करती है कि अपने घर से पानी की खोज में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है, तो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई
उसके पश्चात वह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, 2 किलोमीटर चलती है, और उसके पश्चात वह पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलती है। ठीक है, आगे बोला जा रहा कि फिर वह अपने बाएं तरफ मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, तो बाएं तरफ मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, और वह अपने घर के मुकाबले उसके स्थान कहाँ पर है। ठीक है, घर के मुकाबले उसके स्थान कहाँ पर, तो घर उसका कहाँ पर था, यहाँ था। अब वो यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये दूरी 2 है, पूरी 7 है, तो इधर 4 हो जाएगी, तो 4 किलोमीटर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पश्चिम। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है कि 0.4 किलोग्राम वजन वाले गेंद की गति को 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर इतना कर दिया जाता है, तो कितने कार्य करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो जो वर्क होगा ना, वो आपका डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस जो होगा, तो वह 1/2 मास इंटू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, तो 1/2 मास आपका 0.4 है, और V2 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी कि 8 हो जाएगा, तो 8×32/2 यानी कि 1.16 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक कपड़े का 4/5 टुकड़ा रिबन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कोई कपड़ा एक्स है, और उसका 4/5 भाग 100 सेंटीमीटर का टुकड़ा बनाता है। ठीक है, लंबाई वाला, यानी कि एक्स का मान हमें निकालना है, कपड़े की शुरुआती लंबाई आपसे निकालना है, तो एक्स का मान ही निकालना है, यानी कि 500/4, यानी कि आपका आंसर 1/125 हो जाएगा। टेबल कुर्सी और आपको किस में संबंधित दर्शाना है, टेबल कुर्सी और दीप, तो दोनों सभी तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आदर्श मशीनें वे काल्पनिक मशीनें हैं जो डैश होती हैं। ठीक है, तो जो डैश होती हैं घर्षण रहित, तो ऐसी दोस्तों वास्तव में देखा जाए तो घर्षण रहित जो है, तो मशीनें ना कि आदर्श मशीनें कभी मिलती नहीं। ठीक है, तो इसलिए काल्पनिक बोल लगाया जाए, काल्पनिक मशीन है जो क्या होती है, घर्षणहीन होती है। तो जो आदर्श मशीन में होता है, जो आउटपुट और इनपुट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जितना आप इनपुट लगाओगे उतना ही आउटपुट निकलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसी मशीनें होती नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है अलग कौन सा है, तो आपका देखिए -2 -2 हो रहा है, इसमें भी -2 -2, लेकिन इधर प्लस प्लस हो रहा है, +2 +2, तो आपका ही अलग हो जाए। इसको आपको देखना है डायरेक्टली, यहाँ पर जाइए दूसरे ऑप्शन में, जी माइनस, यानी कि माइनस का मतलब क्या है, आई जे का पिता, यानी कि जी एच का पिता हो जाएगा, जी जो एच का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। उसके बाद प्लस है, तो आई जे की बेटी यानी कि एच ई की बेटी हो जाएगी, एच जो है ई की बेटी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, फीमेल, क्योंकि ये मेल था पहले से, तो पति पत्नी हो गई, और ये बेटी है एज। तो उसके बाद आपका दिया गया है कि स्टार आई जे की माता, यानी कि जो जो आपका क्या हो जाएगा, ई एफ की माता हो जाएगी, नहीं एफ इधर आ जाएगा, तो जी क्या है, बताए कि जी यह एफ के पिता है, तो जी एफ के पिता हैं, बिल्कुल है, जी एफ के पिता ही तो हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप स्वयं करिए, बताने वाला नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि गेंद को आरंभिक विराम से किसी इमारत के शीर्ष से मुक्त रूप से गिराया जाता है, और ठीक है, यह अधिकतम 40 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है, तो इमारत की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो इमारत की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखो जो आपकी, देखो यहाँ से भोल को भी यहाँ से यहाँ तक गिराया जाता है, तो जो उसका अधिकतम वेग होगा ना, तब कब होगा, जब वह पृथ्वी को छूने ही वाली होगी। ठीक है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/2 मास आपको पता नहीं है, 1/2 m V² यानी कि कितना हो जाएगा, 1600, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, किसके बराबर हो जाएगा, MgH के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी इधर ये है, तो आपका इतने ही इससे जुड़ जाने की पोटेंशियल एनर्जी इधर भी रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप हाइट निकाल सकते हैं, तो आपका कितना हो जाने वाला है, 1/2 m × 1600 बराबर आपका MgH, तो एम से एम तो कट जाएगा आपका, और आपका इधर आपका 800 हो जाएगा, और जी का वैल्यू क्या होता है, 10 होता है, तो 10 से इसको काटेंगे तो 80 बार हो जाएगा, तो एच का 80 मीटर आ जाएगा। ठीक है, देखो जब पानी
जब पानी की एक निश्चित मात्रा का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? समान रहता है। गलत, ये तो गलत दिया है इसने, समान नहीं रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखो इसका आंसर ये गलत है। अब हम इसको बारे में समझाएं। आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपका जो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और डेंसिटी बराबर क्या होता है आपका? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर तापमान उसका 0 डिग्री सेल्सियस है और उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ाना है, उसका जो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, तभी तो डेंसिटी अधिक होगा। अगर वॉल्यूम कम होगा तभी तो डेंसिटी अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आयतन में क्या होगा चेंजेस? उसका आयतन क्या होगा? कम होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को पकड़िए। क्वेश्चन इसमें देखना कि क्या बोला गया कि अक्षरों का कौन सा घट उन योग चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करता है जो पिता है। तो योग चिकित्सक कौन है? वृत्त वाले, यानी कि इस सर्कल के लेना है हमें। ठीक, उसके बाद क्या होना चाहिए? जो पिता, पिता आयत, तो आयत के अंदर वाले। तो वृत्त और आयत में कौन सा कॉमन है पार्ट? ये वाला। ठीक है, तो CBIK आपका आंसर हो जाएगा। आपको साधारण शब्द बताना है कि विषम कौन सा? विकेट कीपर और क्षेत्र रक्षक, गेंदबाजी, तीनों फील्डिंग साइड के ही क्या होते हैं, जिन मतलब कि जिनकी फील्डिंग होती है वही होते हैं। ठीक है, जो गेंदबाजी चुनते हैं उसकी टीम हो गई है। बल्लेबाज आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, बल्लेबाजी करने वाला। आपको मिड पॉइंट फ्रेंड्स बताना है ना। ठीक, तो कैसे हो जाएगा इसका आंसर? देखो, मिड पॉइंट जब भी निकालना होता है तो क्या करते हैं, x1 + x2 यानी कि -2 और प्लस करेंगे, लेकिन इधर माइनस पहले से तो माइनस ही रहेगा, √2। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी और आगे करेंगे तो -1 -3 √2। यहाँ से -7 √2 और -2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ये ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। एक संख्या के दोगुने, यानी कि मान लेते हो संख्या एक्स है तो उसके दोगुने, ठीक है, दोगुने अंक का जोड़ तथा उसके 7 गुने अंक का पारस्परिक अंक, यानी कि रेसिप्रोकल 15, यानी कि उसका व्युत्क्रम क्या है? उसके व्युत्क्रम का 1/7 भाग का योग क्या है? 15। इस तरह बोला गया है। आपका आंसर क्या हो जाने वाला है? 7 7 रखेंगे ना, जब इधर 14 हो जाएगा, इधर 7 रखेंगे तो मान 1 आ जाएगा, तो तभी 15 होगा। ऑप्शन के आधार पर कर सकते हैं। कोई कार, बोला जा रहा है कि एक नियत त्वरण 3 m/s² के साथ चलना शुरू करती है, तो 10 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी, तो एस बराबर UT का मान तो आपका 0 हो जाने वाला है, 1/2 AT² इसमें मान रखते हैं, आपका आंसर आ जाने वाला। तो इधर 0 हो जाएगा, 1/2, ए का मान आपका 3 है, टाइम आपका इसका स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 150 आपका आंसर हो जाएगा, 150 m। बर्फ की स्थिति, ठीक है, बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन किसके कारण होता है? ऊष्मा के अवशोषण के कारण। ठीक है, जो बर्फ होता है फ्रेंड्स वह क्या करता है? ऊष्मा को अवशोषित करता है, तभी वह पानी में परिवर्तित होता है। तो राइट आंसर आपका तीसरा नहीं होगा, दूसरा होगा। ठीक है, याद रखना। 81वीं क्वेश्चन है आपका कि बोला जा रहा है गांव की दो महिलाएं एम और एन ने एक ही स्थान से चलना शुरू की है। एम 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, एम जो तो 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रही है, फिर वह क्या करती है? बाई ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चली। ठीक है, तो बाई ओर मुड़ी, 2 किलोमीटर चली और उतने में एन दक्षिण की ओर चली, तो एन जो है तो दक्षिण, एम इधर आ गई ना, एन अब चल रही है दक्षिण की ओर, कितना चल रही है? 6 किलोमीटर। और फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है, पश्चिम की ओर मुड़ती है, कितना चलती है? 4। और वह फिर बाई ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 1 किलोमीटर। तो बोला जा रहा है कि एम के मुकाबले एन कहाँ पर है? तो एम के मुकाबले एन कहाँ पर है? तो गड़बड़ है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने? देखो, तो बोला जा रहा है कि एम 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, तो 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर, देखिए दोबारा से कर लेते हैं इसको। क्या बोला जा रहा था? एम जो है क्या करती है, वो 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, यानी कि इस तरफ चलेगी। ठीक है, 4 किलोमीटर, उसके बाद फिर वह बाई ओर मुड़ती है तथा 2 किलोमीटर चलती है, और उसने उतने ही, ठीक है,
एम इधर आ जाएगी आपकी, उसके बाद बोला गया कि एन 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, यानी कि इधर रहेंगे दोनों 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलेगी, इधर आ जाएगी 6 किलोमीटर दक्षिण में, और फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, ठीक है, पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, यानी कि ये आमने सामने हो जाएंगे एम और एन तो। और फिर बाई ओर मुड़की कितना चलती है, 1 किलोमीटर, बाई ओर मुड़ती है 1 किलोमीटर और चलती है। देखो यहाँ पर दो थी और टोटल लेंथ 6 थी, यानी कि ये दूरी कितनी हो जाएगी 4, और ये हो जाएगी 1 5, यानी कि एन इधर पर रहेगा, तो जो एम के मुकाबले एन कहाँ पर है, तो एम के मुकाबले एन 5 किलोमीटर दक्षिण में है, ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, यदि उसका बेस और ऊंचाई आपकी 6 है, ठीक है, तो बेस इंटू हाइट ही तो आपका होता है एरिया समांतर चतुर्भुज का, ठीक है, ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 160 है मल्टीप्लाई 125 बटे 100, 20 बटे 100, 2 जीरो से इसको काटें और इसको काटें, उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाने वाला है आपका 4000 बटे 100, यानी कि 40 आपका आंसर हो जाएगा। देखो बोला जा रहा है कि एक वस्तु 2500 की कीमत से बेची गई और जिस पर क्या किया जा रहा है कि 10% की छूट दी जाती है, यानी कि ये क्या एक तरह से मार्क प्राइस ही दिया हुआ है, ठीक है, और इस पर 10% की छूट पर बेची जाती है, यानी कि 10 से 9 पर बेची जाती है, मार्क प्राइस है ये, सेलिंग प्राइस यानी कि 9 हो जाएगा, फिर भी इसे 8% 12% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 12% का मतलब प्रॉफिट मतलब क्या होता है, 1/8, यानी कि 1 में अगर खरीदा होगा तो 9 में बेच रहा है, ठीक है, 8 में खरीद रहा है और 9 में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस इधर सेम है, तो मार्क प्राइस अगर आपका ये है तो 10 रेशियो की वैल्यू आपकी 2500 हो जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 250, तो 8 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2000 रुपये आपका इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्वेश्चन रेफरेंस बोला जा रहा है कि 2 मिनट तक किसी बिजली के बल्ब के तंतु द्वारा 2 एम्पियर धारा खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत प्रवाह करंट की मात्रा निकालना है आपको, ठीक है, यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको कुल सी निकालना है, कुल आवेश निकालना है, तो आप जानते हो कि धारा होती है I का मान क्या होता है, Q/R, आवेश में प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, ठीक है, तो Q का मान आपको निकालना है I × T हो जाएगा, I का मान आपका 2 एम्पियर है, T आपका 2 मिनट है, तो उसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है, तो 240 कूलम्ब आपका आंसर हो जाने वाला है। इसमें आपको बताना है कितनी न्यूनतम लाइनों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये गाड़ी गिन लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, उसके बाद ये देख लेते 5 6, ठीक, उसके बाद ये 7 और ये 8, ये 9, ये 10, तो 10 की आवश्यकता होगी हमें, इसको कर सकते हैं आप देखें तो, आप चाहें तो वैल्यू पेड से कर सकते हैं 8 और 4 मान लें, ठीक है, क्योंकि 8 को 32 भी होता दिया है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 80 आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, a+b² = आपका 144 हो जाएगा, a² + b² + 2ab, ab की वैल्यू 32 है तो यहाँ पर 32 = 144, a² + b² का मान निकालना है, बाकी आप जो 144 में से क्या घटा देंगे 64 घटा देंगे तो आपका आंसर क्या जाने वाला 80 ही आएगा। अगला, जिस प्रकार शेर दोस्तों क्या करता है, मांस खाता है, तो काऊ क्या खाती है, ग्रास खाती है, घास। देखो बयान और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि सभी विकासशील देशों में आबादी बढ़ रही है और जो सभी विकासशील देश में पानी की कीमत यानी कि पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, तो अब पहला निष्कर्ष क्या है, विकासशील देशों में यदि आबादी कम होती है तो हर व्यक्ति के लिए पानी की मात्रा बढ़ जाती है, यदि पानी की उपलब्धता निश्चित रहे, ठीक है, ये आपका सही है, अगर पानी की उपलब्धता निश्चित रहती है और उसकी आबादी अगर कम हो जाती है तो भी सी बात है कि जो पानी की मात्रा हो जाएगी ना वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, कुछ विकासशील देशों में आबादी कम हो रही है फिर भी उनके पास पानी की कमी है, ये नहीं कह सकते हम क्योंकि कथन में ऐसा कहीं बोला ही नहीं गया, केवल पहला ही अनुसरण करता है बयान के आधार पर, ठीक है। बोला जा रहा है कि कुछ रकम 8% प्रतिवर्ष के ब्याज से 2 सालों में इतनी है तथा 3 सालों में इतनी है, तो जब उसे प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाता है, ठीक है, तो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाए चाहे जिस पर लगाया जाए, अगर आपके जो लगातार आपके अमाउंट दी गए है ना,
लगातार की ब्याज दी गए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, यानी कि कितना रेट इसमें प्राप्त होगा वो आपको डायरेक्टली निकल आएगा, ठीक है। यानी कि 1389 में आपको क्या कर देना, 1323 को माइनस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.15, और इधर से 6, इधर से आपका 6, यानी कि इतना ब्याज किसके रिस्पेक्ट में, 1323 के रिस्पेक्ट में किस रेट पर प्राप्त होगा आपको निकाल लेना इधर से। तो आप देख रहे होंगे कि लगभग 5 गुने के आसपास ही है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कार्य करते समय डैश के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से कम होता है, तो किसके कारण, घर्षण के कारण। भाई आधार से मशीन के बारे में बताया था ना मैंने, वही है। यहाँ देखो बोला जा रहा है कि हौज पाइप ए और बी पुल को क्रमशः 5 और 10 मिनट में भर सकते हैं, तो ए 5 मिनट में और बी 10 मिनट में भर सकते हैं। बोला जा रहा है कि इनकी सबसे क्षमता निकाल लें, तो इधर एक हो जाएगी 2, बी की 1। 2 मिनट बाद पाइप बी को बांधा जाता है, यानी कि ब्लॉक किया जाता है, यानी कि दोनों कितने 2 मिनट के लिए खोले जा गए थे, तो 3 क्षमता है और कितने 2 मिनट के लिए, यानी कि 6 मिनट तो उनने भर दिए पहले ही, बचा 4। तो पाइप ए को पुल को भरने में कितना समय लगेगा, तो बचा 4, तो की इफिशियंसी से भरेगा, 2 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या समझना था, यहाँ पर समझना था कि 2 मिनट बाद पाइप बी को बांधा जाता है, यानी कि दो मानी कि शुरुआत में दोनों लोगों को ही खोला गया था, ठीक है। आप ध्यान देना, SBI का यहाँ पर मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। इसका आंसर आपको पता करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हर का प्रमेयीकरण करना होगा, इसका भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √2 - 1, और नीचे a² - b² से आपका देखो क्या हो जाने वाला है, √2² - 1² यानी कि 1 ही आ जाएगा, तो √2 - 1 आ जाएगा इधर, प्लस आपका उधर क्या आ जाएगा, √3 - √2, इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा आपका √3 - 1। तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 - 1 करेंगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला, अब आपको यहाँ पर ये तो कर लोगे, हमें नहीं बता भाई। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस तरह की ड्राइंग में प्रतीकों का उपयोग ड्राइंग के घटकों, विनिर्माणों और संबंधों को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो योजनाबद्ध यानी कि स्कीमैटिक जो ड्राइंग होती है उसमें किया जाता है। भारत ने किस किस वर्ष में, जो 50 ओवर का टूर्नामेंट होता है ICC का, वर्ल्ड कप होता है, तो कब कब जीता है, तो 1983 में कपिल देव जी ने, और 1900 सॉरी 2011 में धोनी। क्लास ए लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं, तो विपरीत दिशा में, ठीक है। यानी कि जो प्रयत्न और भार होता है आपस में विपरीत दिशा में जाते हैं, कैसे, जैसे मान लेते हैं ये आपका रहा लोड, ठीक है, और इसको आपको इस तरह आगे की तरफ खिसकाना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप लगाते हैं इस तरह, इसे नीचे से रॉड बीच में रहते हैं फलक्रम, इधर लगाते हैं आप इफर्ट, ठीक है। तो इधर आप इफर्ट जब लगाएंगे, नीचे की तरफ इफर्ट लगाएंगे इसको दबाने के लिए, ठीक है। तो जो इसको आप इफर्ट की दिशा आपकी नीचे की तरफ हो जाएगी, लेकिन जो लोड की दिशा हो जाएगी क्या, ये लोड जो रहेगा ऊपर की तरफ उठेगा, तो विपरीत दिशा में हो जाएंगे। बाकी आपका जो सेकेंड क्लास का और थर्ड क्लास का लीवर होता है, उसमें प्रयास और जो भार की दिशा होती है समान ही होती है। गोले का व्यास यहाँ पर क्या होगा, यदि उसका क्षेत्रफल 154 है, ठीक है। तो अगर उसका क्षेत्रफल 154 होगा, तो यानी कि π r² = 154, तो 22/7, r² = 154, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 कम 11, 11 6 44, 11 2 22, 2 से काटेंगे 7, यानी कि r बराबर आपका क्या हो जाएगा, 50 रूट, यानी कि r बराबर आपका 7, r का मान 7 आ गया, तो उसका व्यास क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।